अपने अपने हाथ में कोई खाली पात्र नहीं करेगा, बिल्कुल खाली पात्र कोई भी नहीं करेगा, थोड़ी पात्र में बची रखना है सामग्री, ठीक है, उधर ना हो इधर से ले ले। माँ गायत्री के नाम से एक आउटी सभी लोग डालते हैं। देखो सबसे पहले विशेष ध्यान दें, जो आगे वाले हैं वो डाल लें, उसके बाद पीछे वाले बाद भाई गड़बड़ ना काटे गए, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, होशियारी से कार्य करना चाहिए, ठीक है। ओ पूर्वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पूजायामि दयायामि यज्ञ करिष्यामि। ओम स्वाहा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अपने गांव गई हुई थी और ये वहाँ की वीडियोस थी जो मैंने शूट की थी, तो इससे जो पहले दो वीडियोस मैंने डाली हैं गांव की, तो अगर आपने वो नहीं देखी हो तो प्लीज़ पहले वो जाके देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी कि यहाँ पे किस चीज़ की पूजा चल रही है और किस चीज़ का हवन हो रहा है। तो ये था मॉर्निंग का टाइम नेक्स्ट डे का, जब हमने कलश रखवा लिए थे उसके बाद का दिन था। और यहाँ पे सभी परिवार के सारे जितने भी मेंबर थे सब पूजा में हवन में शामिल हुए थे, और कुछ जो गांव के थे। और जिन लड़कियों ने कलश रखा था ना, वो लड़कियों का इसमें हवन में बैठना बहुत ज़रूरी था, और जो घर के मेंबर्स थे बड़े उनका भी। तो बस यहाँ पे सब बैठ गए। और चीकू देखो यहाँ पे मुझे कितना परेशान कर रहा है, मुझे उसने ना एक दिन हवन में बैठने दिया और एक दिन नहीं बैठने दिया, मतलब ऐसे ही हो जाता था। और सात दिन हवन हुआ था, सातों दिन ही भागवत बैठी गई थी। तो बस यहाँ पे सब पूजा कर रहे हैं, पंडा जी मंत्र पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे सब अपना अपना सामग्री डाल रहे हैं। और यहाँ पे पूजा करने के बाद ना यहाँ पे इसकी ना परिक्रमा लगाई जाएगी इस हवन की चारों, मतलब पूरे इसमें गोपान डाल की। तो जो लड़कियाँ थी वो मॉर्निंग में भी आके परिक्रमा करती थी, जितनी भी आपकी इच्छा हो, 5, 11, 21, जितनी भी 100, 101, मतलब जितनी भी आपकी इच्छा हो वो आप परिक्रमा यहाँ लगा सकते हो। तो बस यहाँ पे हो जाएगी पूजा, उसके बाद हम यहाँ पे परिक्रमा लगाएंगे। और अगर वीडियो पे पहली बार आए हो आप लोग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और ऐसी वीडियोस मैं आगे लाती रहूँगी। तो आई होप आप इस वीडियो को देख के इन्जॉय कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को। तो यहाँ पर हमारी परिक्रमा शुरू होने जा रही है, तो आप इसके बाद आप पूरी फुल वॉच करना वीडियो को प्लीज़। सारे जग में तेरा ही तो
हवन ख़त्म होने के बाद यहाँ पे लड़कियों को डांस करने का वो रहता था, मन होता था, तो वो म्यूज़िक लगवा लेती थी। और तो उसके बाद ही हवन होने के बाद यहाँ पे म्यूज़िक लगा दिया गया था। तो यहाँ पे सारी बहुएँ, चाचियाँ मेरी जो भी हैं सब गांव की, कोई मेरी चाची लगी तो कोई भाभियाँ लगी, और जो लंबा घूंघट काढ़े हुए हैं वो मतलब गांव की बहुएँ हैं। और ये जो पीले वाली हैं ये मेरी चाची हैं सबसे छोटी वाली, इन्होंने भी घूंघट किया हुआ है। और बाकी सारी बहुएँ हैं जो घूंघट करे हुए हैं। तो यहाँ पे सबका इंट्रोडक्शन देना तो बड़ा मुश्किल है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे मेरी कुछ चाचियाँ हैं, कुछ मेरी भाभियाँ लगी, कुछ मुझसे छोटी हैं, कुछ मेरे से बड़ी हैं। तो बस सब मगन होकर डांस कर रहे हैं, और गांव की जो भी लेडीज़ हैं सबको डांस करना आता ही आता है। तो बस यहाँ पे, और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि म्यूज़िक भी चल रहा था तो मुझे कॉपीराइट ना मिल जाता, इसीलिए मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर दे दिया। तो आप इस डांस को एंजॉय कीजिए और देखिए कितना अच्छा डांस करते हैं सभी लोग। यहाँ पे सब देख रहे थे कि अचानक से ना यहाँ पे सांप आ गया था, इस झाड़ में घुस गया था और पांडाल में भीड़ होने वाली थी तो सब किसी के भी काट सकता था, तो ये भगाने की कोशिश कर रहे थे। और मैं तो भैया डर के मारे भाग गई थी थोड़ी देर के बाद ही, तो बस इसको निकाल के ना, बहुत बड़ा सांप था, पेड़ पे भी चढ़ गया था वो, ये पेड़ बना हुआ ना इस पर भी चढ़ गया था, और यहीं पर ही बराबर में यहाँ से पांडाल शुरू था। तो बस ये लोग, इन्होंने भगा दिया था फिर सांप को, और बस